सत श्री अकाल, स्वागत है जी स्टूडेंट थोड़ा सारिया का। अज का शो सेंटर्ड है इस गल ते कि वो स्टूडेंट जिन्हां दे सिक्स ईच बैंड नहीं आ रहे, जिहड़े कैनेडा जाना चाहते ने, किस तरीके नाल सिक्स ईच बैंड लै सकते हैं। तो अज कहे जी शख्सियत मौजूद है साढ़े नाल जिन्हां ने अपने इंस्टीट्यूट च रिमार्केबल सक्सैस दर्ज किया। सिक्स ईच बहुत ही ज़्यादा नंबर दे विच स्टूडेंट्स दे आए ने, खास करके उन्हां दे जिहड़े बहुत देर तो लटक रहे सी, सिक्स ईच का बैरीयर क्रॉस ही नहीं कर पा रहे सी, बट उन्होंने बड़ी हैरानी वाले नतीजे हासिल किए ने। सो उन्हां तों समझांगे कि जे तुसीं भी सिक्स ईच नहीं लै पा रहे तां तुसीं की करो। सो स्वागत करदा अज दे साडे गैसट लैंडमार्क इमीग्रेशन दे चीफ जसमीत भाटिया जी दा, स्वागत है। सत श्री अकाल। सो जसमीत जी, तुसीं अपने इंस्टीट्यूट दे इन्हां रिजल्ट्स तों की तत् कढ़िया, जिहड़े स्टूडेंट्स बहुत देर तों लटक रहे ने, सिक्स ईच नहीं आ रहा, कित्थे गलती कर रहे ने? बिल्कुल, देखो सिक्स ईच मैनूं तां कई वारी लगदा जिहड़ा फोकस हाईलाइट सेंटरां दा हुंदा ना, उह वी सिक्स ईच दवाउण वाला नहीं हुंदा। उह वी चाहुंदे कि बच्चा साडे कोल ना इक साल पढ़दा रहे। सो वेयर एज जिहड़ा मैनूं लगदा कि फोकस यह होना चाहिए कि दो तीन महीने च बच्चा फ्री होए और अपना जिथे भी डेस्टिनेशन जाना चाहता वह जाए। सो इसे लिए साडा जिहड़ा मैक्सीमम जिहड़ा पैकेज हैगा दैट इज़ फॉर 3 months ओनली, और उसकी कॉस्ट 15,000 रुपया दीपक जी। सो 3 महीने की जिहड़ी साडी फीस है दैट इज़ इंक्लूडिंग 15,000, जिहदे च बच्चे नूं असीं बैग भी दिंदे आ, बुक्स भी दिंदे आ, मटीरियल भी दिंदे आ और सारी कोचिंग भी कराने आ। एंड टीचर्स आर हाईली क्वालिफाइड। और मैं पैसे इस लिए दसे क्योंकि दीपक जी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट ना बच्चों तो 20,000 रुपया महीना लेंदे आ। ओके, तो 15,000 रुपया 3 महीने का? ओके, तो मैनू लगता है कि स्टूडेंट्स इस चीज़ को जरूर ध्यान देन, और क्योंकि नॉर्मली साढ़े ना पंजाब तो जो अभी कहने महीना कोचिंग ले लो तो उन्होंने लगता है यार महीने से कितना आइलैट्स करा देगा, पर मेरी तुसी सारे स्टूडेंट्स ये चीज़ जरूर मनो कि जो काफ़ी सारे बच्चे मेरे को 1 महीना 1.5 महीना 2 महीने ला के 6 ईच अचीव कर चुके हैं। द आइलैट्स रिजल्ट इज़ गैटिंग बैटर एंड बैटर डे बाय डे। मेरे को एक मतलब बहुत घट्ट बच्चे जिन्हें साढ़े 5 बैंड 1-2 मोड्यूल आ रहे हैं और वो जो रीडू करते हैं तो वह भी बैंड लै लेंगे। सो आई फील कि स्टूडेंट्स लैट्स फोकस, एंड मतलब मेरा फोकस दीपक जी पता कितने है कि जो बच्चा मेरे को आइलैट्स कर आए ना वो वीज़ा लेके बाहर जाए। सो दैट इज़ द फोकस। सो नॉट आइलैट्स, यही इसलिए आइलैट्स रखे है कि जी बच्चों एक्सपलॉयटेशन हो जाती है ना। किन्ने परसेंट जिम्मे परसेंटेज कि दस सकते हो किन्ने परसेंट? बच्चे 6.5 बैंड आते हैं, 6 ईच भी नहीं, 6.5, 7, 7.5 हले पिछे तो एक बच्चा नहीं। हूँ कई बच्चे ये भी सोचते कि शायद तुम हुशियार बच्चों की गल करते हो। सर मैं तो बच्चों मिलता नहीं, पहली गल तो साडा सेंटर ही देखता, मैंने तो बैंड की रिपोर्ट आती है कि इन्ने बच्चों के रिपोर्ट आ गए। वो एक बच्चा साढ़े तो लुधियाने से उसे तो 2 मोड्यूल चो 9 बैंड भी लै गया। ओके, हाँ तो मतलब कि पर मैं वो हाईलाइट नहीं कर रहा क्योंकि मैंने पता वो अबव एवरेज होना बच्चा, बट कुछ बच्चों के बहुत अच्छे बैंड आए। हले भी एक बच्चे ने, बच्चे के एक 5.5 बैंड से दीपक जी, उन्हें 3 महीने क्लासा लाइया, तुम दसो किन्ने बैंड आए होने? 6 आ जाए मैंने तो लगता है कि जो 5.5 तो अटक जाता मैंटली भी कई बार अटक गया। 7.5 बैंड बच्चे तो आ गए दीपक जी, 3 महीने क्लासा लाने तो बाद लैंडमार्क दियाँ। सो अपना असी यही नहीं, असी इस चीज़ की तैयारी नहीं कर रहे कि 5.5-6 ले ले, असी इस चीज़ की तैयारी कर रहे कि वो मैक्सीम आइलैट्स बैंड ले। उस बच्चे के 7.5 बैंड आए एंड डेफिनेटली उसको रिफ्यूजल आ गई थी पहला वो, एंड ही इज़ गोइंग टू गैट वीज़ा दिस टाइम। सो स्टूडेंट्स कितने ना कितने फर्क जो मैं महसूस किया कि जसमीत जी का मकसद नहीं है थोनू आइल्स कराना, इन्हों का मकसद है बाहर भेजना, मेन इन्ह का काम भी इमीग्रेशन का ही है। सो 3 महीने का ही तो इन्हों का पैकेज है, 3 महीने तो ज़्यादा तो यह पढ़ाते ही नहीं किसी को। तुसीं भी जे 5.5 ते अटके हुए हो तो एक बार जरूर लैंडमार्क नाल गल करो, 9413-9412 कॉल करके सलाह लो, तो 5.5 ते अटक के कंट्री स्विच करन दी बजाए कैनेडा नू अपने फ्यूचर नू एक चांस होर दिओ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।